कब होगा कि इन लोगों की तरह से रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। FIA का टेस्ट कब होगा? दानियल ने 6 जुलाई को यह खबर छापी थी कि शेख रशीद ने कहा है कि FIA में खाली पड़े 1143 पदों पर 12 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्त दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीरी इम्तहान मुल्क भर में 26 जुलाई से शुरू होगा, जबकि लास्ट टाइम पहले फिजिकल इम्तहान हुआ था, लेकिन इस दफा वो कह रहे हैं कि पहले तहरीरी इम्तहान होगा जो कि 26 जुलाई से शुरू होगा ईद के बाद। ये तमाम मालूमात हदायत FIA की वेबसाइट पर दी गई थी। जब अप्लाई किया जा रहा था तो उन्होंने क्लियरली लिखा था कि अगर आपका स्टेटस में कम्प्लीट लिखा ना होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जब आपने अप्लाई किया था, स्टेटस में कम्प्लीट लिखा हुआ था और तस्वीर पासपोर्ट लगाई थी, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, आपकी दरखास्त काबिले कबूल होगी। यानी अगर जो उन्होंने हदायत बताई थी, अगर आप लोगों ने उस पर अमल किया है तो आपकी एप्लीकेशन काबिले कबूल होगी। अगर आपने तमाम हदायत पर अमल नहीं किया तो ऑफकोर्स आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी।